फॉर एनसीईआरटी फ्री सॉल्यूशंस ज्वाइन तिवारी एकेडमी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। डियर स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ और ट्वेल्थ में एमपी बोर्ड में जितने भी छात्र फेल हुए थे एक या दो सब्जेक्ट में, तो उनके लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा की तिथियां हैं वो घोषित कर दी गई हैं। 17 मई का ये न्यूज है, तो 17 तारीख को सप्लीमेंट्री परीक्षा की तारीख है वो घोषित कर दी गई हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिस्कशन के साथ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के परिणाम के दो दिन बाद सप्लीमेंट्री परीक्षाओं की घोषणा कर दी। यानी एमपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो 15 मई को आया था, उसके दो दिन के बाद ही सप्लीमेंट्री एग्जाम है उसकी परीक्षाओं की घोषणा कर दी है। यानी हायर सेकेंडरी के समस्त विषयों की पूरक परीक्षा, यानी जितने भी सब्जेक्ट में फेल हुए उनकी सप्लीमेंट्री का एग्जाम है वो 3 जुलाई तथा हाईस्कूल पूरक परीक्षा 4 जुलाई से 12 जुलाई को सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में होगी। यानी ट्वेल्थ की जो परीक्षाएं वो 3 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी और हाईस्कूल की परीक्षाएं वो 4 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी और ये 12 जुलाई तक चलेंगी। इनका टाइम टेबल रहेगा सुबह 9 से 12 बजे तक। बता दें कि एमपी बोर्ड ने बुधवार को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया है। यानी 10वीं में 61.32% और 12वीं में 72.37 परीक्षार्थी ही पास हुए थे। अनेक विद्यार्थी ऐसे हैं जो परीक्षा में फेल हो गए, तो कुछ छात्रों व छात्राओं एक या दो विषय में कुछ कम नंबर आने की वजह से पास नहीं हो सके, उनके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट पूरक परीक्षा की तिथियां शुक्रवार को घोषित कर दी हैं। तो यानी बोर्ड के आदेश के अनुसार 12वीं की परीक्षा में एक विषय तथा 10वीं की परीक्षा में दो विषय में पास न होने वाले छात्रों को ही पूरक परीक्षा देने की पात्रता प्रदान की गई है। यानी अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट हैं, अगर आप दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तभी आप सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं और आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तभी आप सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर इनसे ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। हायर सेकेंडरी के समस्त विषयों की पूरक परीक्षा 3 जुलाई से, यानी ट्वेल्थ की परीक्षा वो 3 जुलाई से और हाईस्कूल की परीक्षाएं वो 4 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। बात करें 4 जुलाई से कॉमर्स की परीक्षा भी होगी। यानी हायर सेकेंडरी के कॉमर्स परीक्षा में ऐसे परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे जो हायर सेकेंडरी कॉमर्स पाठ्यक्रम की मुख्य परीक्षा में पूर्ण विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होकर परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित रहे। इसकी परीक्षा 4 जुलाई से 10 जुलाई तक सुबह 9 से 12 बजे के मध्य निर्धारित की गई है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस बार यानी मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा हाई स्कूल का रिजल्ट बेस्ट 5 योजना के अंतर्गत घोषित किया गया है। बेस्ट 5 पद्धति के तहत यदि छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है तो उसका परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण घोषित किया गया है। तो बेस्ट ऑफ 5 योजना का मतलब यही है, आपने अगर 6 सब्जेक्ट के पेपर दिए हैं, 6 में से अगर आप 5 में पास हो जाते हो, 1 में फेल हो जाते हो, तो आप पास हुए माने जाओगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।